महाराष्ट्र के बजट सत्र की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा चॉइस समारोह का आयोजन किया गया। विपक्ष ने हमेशा की तरह इस चॉइस पार्टी का बहिष्कार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार द्वारा उठाए गए सवालों और आरोपों के जवाब दिए। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी मानसिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर देखने को मिली है। हमने अजीत पवार के साथ चॉय पीने का समय गंवा दिया। सत्ता से बाहर होने से अजीत पवार हताश है। हम उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष की स्थिति बिना पानी के मछली जैसी हो गई है। ये चार आठवड्याचं अधिवेशन त्यामध्ये राज्यातल्या जनतेच्या हिताचे प्रश्न असतील, चर्चा असेल, राज्याचा विकास असेल, नवीन धोरणात्मक निर्णय असतील, विधेयकांच्याबद्दल जर डीसीएम साहेबांनी सांगितलं, लोकायुक्त असेल, महाराष्ट्र कामगार कायदा सुधारणा असेल, त्याचबरोबर महाराष्ट्र उद्योग व्यापार गुंतवणूक सगळ्यात महत्त्वाचं विधेयक आहे, आणखी काही विधेयक आहेत, पोलीस महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा असेल, अनेक आणि हे या करता मिळाले की त्याच्यामध्ये वाहतुकीचा खर्च हा कापण्यात आला। 2014 सालीच आपण असा जी आर काढलेला आहे की असा जो कमी प्रतीचा कांदा असतो किंवा माल असतो यातला वाहतुकीचा खर्च वजा करता येत नाही आणि तो वाहतुकीचा खर्च वजा केल्यामुळे केवळ 2 रुपये त्यांना मिळाले। मात्र ते लक्षात आल्याबरोबर या 2014 जी आर प्रमाणे संबंधित सूर्या ट्रेडर्स यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला।